डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो आपका वेक्टर कैलकुलस का थर्ड चैप्टर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इसकी हम सेकंड एक्सरसाइज के जो ग्रेडियंट निकालना है, सबसे पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उनके ऊपर जो थ्योरम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सबसे पहले द वेक्टर डिफरेंट ऑपरेशन ऑपरेटर, जैसे हम हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं, हम डेल से डिनोट करते हैं या नेबला से डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास डेल भी बोल सकते हैं इसको या फिर नेबला भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर हम एक बार तो हम पार्शियली डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब वेक्टर के अंदर है तो हम वेक्टर के अंदर आई जे के वी लेके चलेंगे, ठीक है। तो पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई हमारे पास एलसी जाएगा, प्लस पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और जे हमारे पास एलसी जाएगा, प्लस पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में और के हमारे पास एलसी जाएगा। ये तो है हमारे पास डेल या फिर नेबला को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हमारे पास नेबला के साथ फंक्शन आ जाता है कोई भी, ठीक है, और उसका हमें डेरिवेटिव करना है तो हम उसको कैसे करते हैं। देखो नेबला की वैल्यू आप लोगों के पास है तो हम इसको एच डी लिख लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास दे रखा है तो फंक्शन इसके जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो यानी कि जो डेरिवेटिव करना है एक्स का वो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, और ये हमारे पास आई जे के जो है एच जे रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी, अगर हमारे पास ग्रेडियंट फंक्शन दे रखा हो स्केलर फील्ड के अंदर, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म के अंदर जो है लिखेंगे। तो ये वैल्यू आप लोगों ने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ रखा है कि कैसे निकाली है, ये भी कैसे निकाली है, ये भी कैसे निकाली है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस रिजल्ट को लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यूज होगा हमारे पास कि अगर हमें डेल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है डेल एफ की, तो डेल एफ की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड और के, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, इन दो रिजल्ट्स से जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर बोल रखा है कि शो दैट, ये हमें शो करके दिखाना है डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी, ठीक है। तो ये हमें शो करके दिखा रहे हैं। तो देखो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लेके चलेंगे, तो आपके पास डेल की वैल्यू है, ठीक है, डेल की वैल्यू ये हमारे पास है, तो हम इसको एच डी लिख लेंगे आई प्लस डेल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और कर ली जेड के, ठीक है, और F प्लस जी जो है हमारे पास एच डी रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास F प्लस जी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस ये आ जाएगा F प्लस जी करली वाई जे प्लस करली F प्लस जी डिवाइड बाई करली जेड के, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में अगर एडिशन के अंदर है या सब्ट्रैक्शन के अंदर है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर प्लस के अंदर है या माइनस के अंदर है तो हम क्या करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस जी का भी एक्स के रिस्पेक्ट में हम जो है डेरिवेटिव कर देंगे, आई हमारे पास एच डी रहेगा। प्लस यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे कि एफ का वाई के रिस्पेक्ट में प्लस जी का भी वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव जे हमारे पास एच डी, प्लस यहाँ भी हम कर ली एफ वाई कर ली जेड प्लस कर ली जी वाई कर ली जेड और के हमारे पास एच डी रहेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो अगर आई की जे की और के की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर ली एफ वाई कर ली एक्स आई
प्लस कर ली जी वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली एफ वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली जी वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली एफ वाई कर ली जेड के, कर ली जी वाई कर ली जेड के। ठीक है, अब ये जो एफ वाई फंक्शन है इनको मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर ली एफ वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली एफ वाई कर ली वाई जे, कर ली एफ वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली एफ वाई कर ली जेड के। ठीक है, इनको एक साथ लिख लेंगे, प्लस इनको भी एक साथ लिख लेंगे जो बाकी बची है हमारे पास है। कर ली एफ वाई कर ली सॉरी कर ली अब जी के फंक्शन बचे हैं तो जी वाला को एक साथ लिख देंगे, कर ली जी वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली जी वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली जी वाई कर ली जेड के। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं एफ को कॉमन निकालना चाहूँ तो एफ को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कर ली वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली वाई कर ली जेड के। ठीक है, और एफ हमारे पास मल्टीप्लाई में प्लस। अब इसको देखो, इसमें से जी को निकाल लेंगे तो कर ली वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली वाई कर ली जेड के। ठीक है, और जी हमारे पास जो है 12 जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू डेल की होती है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर डेल लिख सकते हैं, एफ हमारे पास है जी प्लस, ये भी वैल्यू डेल की है तो इसकी जगह पर भी हम डेल लिख सकते हैं, जी हमारे पास है जी। तो हमने क्या किया था, ये स्टेटमेंट लेके चले थे और इसके इक्वल हम लेके आ गए हैं इसको। ठीक है, पता चल गया, ये तो थी अगर हमारे पास सम के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर माइनस के अंदर दे रखी है तो भी आप ऐसे ही शो कर सकते हो माइनस के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले को एक साथ लिख लेंगे, उसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगी। ठीक है, अब की बार एफ प्रोडक्ट के अंदर दे रखी हूँ या फिर डिवाइड के अंदर दे रखी हूँ, तो देखो अगर प्रोडक्ट के अंदर दे रखी है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखी हो, जैसे बोल रखा है इसके अंदर शो दैट डेल एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ डेल जी, ठीक है, और प्लस जी डेल एफ। ठीक है, ये दे रही है, तो देखो हम इसको कैसे शो करेंगे। शो करने के लिए हम क्या करना होगा, इसको लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, डेल एफ और जी, तो एफ और जी को लेके चलेंगे। डेल की वैल्यू आप लोगों के पास है, ठीक है, पता है डेल को क्या लिख सकते हैं, कर ली वाई कर ली एक्स आई, प्लस कर ली वाई कर ली वाई जे, प्लस कर ली वाई कर ली जेड के। ठीक है, और एफ और जी जो है ऐसी लेंगे, अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कर ली वाई कर ली एक्स एफ इंटू जे आई, प्लस कर ली वाई कर ली वाई एफ इंटू जी जे, प्लस कर ली वाई कर ली जेड एफ इंटू जी के। ठीक है, अब देखो कर ली वाई कर ली एक्स, अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ तो यू इंटू वी लगेगा, तो यू तो हमारे पास एच चीज रहेगा। ठीक है, और सॉरी यू तो हमारे पास एच चीज लिखेंगे तो एफ तो हमारे पास एच चीज रहेगा और जी का हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, प्लस अब की बार जी हमारे पास एच चीज रहेगा और एफ का हम डेरिवेटिव कर देंगे और आई हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस। अब की बार इसका करेंगे तो इस चीज का फंक्शन का डेरिवेटिव वही यू इंटू वी से, तो एफ हमारे पास एच चीज वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जी का कर देंगे, प्लस जी एच डीज और एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे तो जे हमारे पास एच डीज रहेगा। प्लस यहाँ भी हम यू इंटू वी लगाएंगे तो अब की बार क्या है, एफ हमारे पास एच डीज रहेगा तो एफ एच डीज रहेगा, कर ली वाई कर ली जेड जी, प्लस अब की बार जी एच डीज कर ली वाई कर ली एफ वाई कर ली जेड, ये हमारे पास एच डीज। ठीक है, अब आई को अंदर लेके आएंगे तो एफ कर ली जी वाई कर ली एक्स आई, प्लस जी
कर ली एफ वाई कर ली एक्स आई प्लस यहाँ पे देखो एफ कर ली जी वाई कर ली वाई जे प्लस जी एच डी कर ली एफ वाई कर ली वाई जे प्लस सबकी बार है एफ कर ली जी वाई कर ली जेड के प्लस जी एच डी कर ली एफ वाई कर ली जेड के। ठीक है, अब आई जो एफ वाले फंक्शन है इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इसको भी और इसको भी और इसको भी। ठीक है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, तो एफ कर ली जी वाई कर ली एक्स आई प्लस इसमें भी एफ कर ली जी वाई कर ली वाई जे प्लस इसमें भी एफ कर ली जी वाई कर ली जेड के। ठीक है, ये तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया प्लस जो बाकी बचे हुए हैं इनको भी हम एक साथ लिख लेंगे। तो इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी कर ली एफ वाई कर ली एक्स आई प्लस जी कर ली एफ वाई कर ली वाई जे प्लस जी कर ली एफ वाई कर ली जेड के। ठीक है, अब इसमें से देखो एफ को कॉमन निकाल सकते हैं, तो एफ को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर हमारे पास जी को भी मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि पीछे लिखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव करना हमें, तो कर ली वाई कर ली एक्स आई प्लस ये आ जाएगा कर ली वाई कर ली वाई जे प्लस कर ली वाई कर ली जेड के। ठीक है, और जी को हम पीछे लिख देंगे। ठीक है, इसमें से जी को मैं पहले एक कॉमन निकाल सकता हूँ और फंक्शन जो है फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है तो मैं इसको पीछे लिख देता हूँ, तो आई प्लस कर ली वाई कर ली वाई जे प्लस कर ली वाई कर ली जेड के। ठीक है, और एफ को हम पीछे लिख देंगे। अब जो ये वैल्यू होती है ये वैल्यू किसकी होती है डेल की। ठीक है, तो एफ डेल इसको मैं जी एच डी। ठीक है, प्लस इसको देखो जी हमारे पास एच डी ये भी वैल्यू डेल की है तो यहाँ पे मैं डेल लिख सकता हूँ। ठीक है, और एफ हमारे पास एच डी, तो यही है फंक्शन जो हमें शो करके दिखाना था। ठीक है, पता चल गया। अब है डिवाइड में आ जाता है, तो हम डिवाइड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड वाला हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ की तीनों प्रॉपर्टी जो हैं शो हो जाएंगी और फिर इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है हम एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स जो आपको दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी बताई है ताकि जो एक्सरसाइज करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दे रखा हमें डेल एफ बाई जी और ये है शो करके दिखाना है जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें शो करके दिखाना है, तो देखो कैसे शो करेंगे। तो इसी को लेके चलते हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कर ली एफ बाई जी। ठीक है, तो कर्ली की वैल्यू आप लोगों के पास है तो उसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे, ये हमारे पास कर्ली की वैल्यू है। ठीक है, यानी अप्लाई बोल सकते हो आप, और एफ वाई जी हमारे पास एच डी रहेगा। ठीक है, अब देखो अंदर लेके जाएंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि एफ वाई जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा कर्ली एक्स और एफ वाई जी का डेरिवेटिव हमें निकालना है। ऐसे ही यहाँ भी एफ वाई जी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, यहाँ भी हम एफ वाई जी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड के। अब देखो दो फंक्शन जब हमारे पास डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में होंगे तो यू वाई भी लगाएंगे, तो वी एच डी। ठीक है, डेरिवेटिव करना है हमें एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, माइनस अब की बार जी एच डी सॉरी एफ एच डी, तो एफ को एच डी लिखेंगे और डेरिवेटिव करना है हमें पार्शली डेरिवेटिव करना है जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाई जो वी है उसका स्क्वायर हो जाएगा और आई जो है मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे तो कर ले वही इफ की बार जी एच डी कर ली वाई फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस अब की बार फंक्शन एच डी डेरिवेटिव वाई के फंक्शन जी के फंक्शन का और डिवाइड बाई जी का स्क्वायर और जे जो है हमारे पास एच डी प्लस, यहाँ पे हम करेंगे तो जी एच डी
derivative f का with respect to z minus अब की बार f as is derivative g का with respect to z और divide by g का square और k हमारे पास as is रहेगा, ठीक है। अब देखो 1 by g square divide by g square है तो मैं g square को तो common निकाल सकता हूँ 1 by g square, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, i के अंदर multiply करेंगे तो g f by g x i प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस एफ जी वाई कर ली एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ भी जे के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एफ कर ली एफ वाई कर ली वाई माइनस एफ कर ली जी वाई कर ली वाई और जे प्लस अब यहाँ भी हमारे पास जी कर ली एफ वाई कर ली जेड ए माइनस एफ कर ली जी वाई कर ली जेड के, ठीक है। यह जाएगा अब 1 by g तो हमारे पास एस टी रहेगा। इसमें देखो अगर हमारे पास ये दो फंक्शन है तो इसको यहाँ पे g आएगा इसको और इसको इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो क्या आ जाएगा g कर ली f y कर ली x i प्लस g कर ली f y कर ली y j प्लस यह आ जाएगा g कर ली f y कर ली z k, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक फंक्शन गया, जो बाकी बचे हुए हैं इनको भी एक साथ लिख लेंगे, तीनों माइनस के हैं तो माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा अंदर एफ कर ली जी वाई कर ली एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस तो आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया है तो ये आ जाएगा जी प्लस एफ कर ली जी वाई कर ली जेड के, ठीक है। यहाँ तक अब देखो 1 by g को हमारे पास एच चीज रहेगा 1 by g स्क्वायर, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इसमें से g को कॉमन निकालेंगे तो g को हमने निकाल लिया अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा कर ली f y कर ली x i प्लस कर ली f y कर ली y j प्लस कर ली f y कर ली z k, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें से f को कॉमन निकालेंगे f को कॉमन निकालने के बाद अंदर हमारे पास आ जाएगा कर ली f g y कर ली x i प्लस कर ली g y कर ली y j प्लस कर ली g y कर ली z k, ठीक है। अब इसमें से देखो 1 by g square तो h है, अब अगर कॉमन निकालेंगे g तो हमारे पास h है। देखो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तीनों में x के भी y के भी और z के भी रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं i प्लस कर ली f कर ली y j प्लस कर ली y कर ली z k, और फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना तो मैं पीछे लिख सकता हूँ क्योंकि इसी का डेरिवेटिव निकाला माइनस f हमारे पास एस टी, यहाँ भी g का डेरिवेटिव करना है तो g को मैं पीछे लिख सकता हूँ तो कर ली y कर ली x i प्लस कर ली y कर ली y j प्लस कर ली y कर ली z k और g को हम पीछे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब 1 by g square तो एस्टीज मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 by g square तो एस्टीज रहेगा। अब यहाँ देखो g तो एस्टीज, ये वैल्यू जो है डेल की है तो डेल लिख सकते हैं f हमारे पास एस्टीज माइनस, अब यहाँ पे f एस्टीज और ये वैल्यू जो है नेबला की है या फिर डेल की है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास है g del f minus f del g और divide by g square, और यही जो है हमें शुगर के दिखा रहा था, ठीक है, पता चल गया। तो ये तो थी आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि ये अगर हमें ग्रेडियंट निकालना है तो उसकी प्रॉपर्टीज थी प्लस माइनस मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में अगर हमारे पास दे रखे हो, तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे।